भारतीय नृत्य कला का एक ऐसा नाम जिसे हमेशा सम्मान के साथ लिया जाता है और लिया जाता रहेगा। बात जब कथक की हो और सितारा देवी के सामने बड़े बड़े कथक नृत्यकों का सर भी सम्मान में झुक जाता है। सितारा देवी जो न केवल एक शानदार कथक नृत्यांगना थी बल्कि एक बेहतरीन अदाकारा और एक खूबसूरत गायिका भी थी। सितारा देवी का जन्म 8 नवंबर 1920 को कलकत्ता के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सुखदेव महाराज था और वो उस जमाने के एक बड़े कथक डांसर थे। मूल रूप से इनका परिवार बनारस का रहने वाला था। इनकी माँ का नाम नृत्य सम्राजनी और इनकी माँ नेपाल के शाही परिवार से भी ताल्लुक रखती थी। इनकी माँ भी कथक नृत्य में पारंगत थी। क्योंकि ये धनतेरस के दिन पैदा हुई थी तो इनके माता पिता ने इनका नाम धन लक्ष्मी रखा था। इनके पिता एक बहुत बड़े कथक कलाकार थे तो वो अक्सर देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी नृत्य प्रस्तुति देने जाया करते थे। सितारा देवी के अलावा सुखदेव महाराज की 2 बेटियां और 2 बेटे थे। सुखदेव महाराज ने अपने सभी बच्चों को नृत्य शास्त्र की विधिवत शिक्षा भी दी। हालांकि उस दौर में नृत्य करने वालों को समाज में सम्मान की नजरों से नहीं देखा जाता था, लेकिन सुखदेव महाराज ने कभी भी इस बात की चिंता नहीं की, क्योंकि उस दौर में कम उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। तो इस कुप्रथा से सुखदेव महाराज भी खुद को अछूता नहीं रख पाए। उन्होंने धनलक्ष्मी यानी कि सितारा देवी की शादी भी 8 साल की छोटी सी उम्र में तय कर दी थी। उस जमाने में धनलक्ष्मी अपनी 20 साल बड़ी बहन से नृत्य कलाएं सीख रही थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि पिताजी ने उनकी शादी तय कर दी है तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि वो पढ़ना चाहती हैं, लेकिन पिता ने उनकी मांग को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। मगर जब पिता सुखदेव महाराज को मालूम चला कि धन्नो यानी कि धनलक्ष्मी ने एक दिन पहले ही सत्यवान और सावित्री के जीवन पर आधारित एक डांस ड्रामा में बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी है और दर्शकों ने धनलक्ष्मी की प्रतिभा की खूब सराहना की है, तो उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। उन्होंने धनलक्ष्मी का नाम बदलकर सितारा देवी रख दिया। सितारा महज 10 साल की थी जब इन्होंने प्रोफेशनली कथक नृत्य परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। कथक के प्रति इनका समर्पण इतना अधिक था कि पढ़ाई लिखाई में मुश्किल होने लगी। आखिरकार सितारा देवी ने पढ़ाई छोड़ दी और उन्होंने पूरी तरह से खुद को कथक को समर्पित कर दिया। एक दिन सितारा अपने पिता के साथ नृत्य अभ्यास कर रही थी। उसी दौर के एक नामी एक्टर डायरेक्टर निरंजन शर्मा उनके घर पहुंच गए। निरंजन शर्मा खुद भी मूल रूप से बनारस के ही रहने वाले थे और उन दिनों वो अपनी एक फिल्म के लिए एक ऐसी चाइल्ड एक्टर की तलाश कर रहे थे जिसे नाचना आता हो। सितारा के घर आकर निरंजन शर्मा ने उनका नृत्य देखा और उन्होंने सितारा का नृत्य बहुत पसंद किया। निरंजन शर्मा ने सितारा के पिता सुखदेव महाराज से कहा कि वो इस बच्चे को अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं। निरंजन शर्मा ने सुखदेव महाराज से कहा कि अगर ये अपने परिवार के साथ बम्बई आएंगे तो इन्हें वहाँ रहने के लिए फ्लैट दिया जाएगा और हर महीने 400 रुपए की पगार भी दी जाएगी। उस जमाने में 400 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। निरंजन शर्मा का वो ऑफर सुखदेव महाराज ने स्वीकार कर लिया और 13 लोगों के अपने परिवार को लेकर वो बम्बई यानी कि मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद निरंजन शर्मा की फिल्म उषा हरण में सितारा ने काम किया और इस तरह ये फिल्म इनके करियर की पहली फिल्म बनी। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो सितारा देवी बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में सनसनी बन गई। लोग इनके नृत्य के बड़े फैन बन गए। मुंबई में कई जगह इन्हें डांस परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जाने लगा। इत्तेफाक से उन दिनों बॉम्बे में कथक नृत्य कोई करता नहीं था, इसीलिए सितारा देवी देखते ही देखते वहां का एक जाना माना चेहरा बन गई। एक दफा सितारा देवी को बॉम्बे के अतिया बेगम पैलेस में कथक नृत्य प्रस्तुत करने का मौका मिला। इत्तेफाक से वहां गुरुदत्त रविंद्रनाथ टैगोर और सरोजनी नायडू भी मौजूद थे। उन्हें सितारा देवी का नृत्य बड़ा पसंद आया। उन्होंने सितारा देवी को टाटा ग्रुप के टाटा पैलेस में परफॉर्म करने के लिए बुलाया। उनके बुलावे पर सितारा टाटा पैलेस गई और उन्होंने वहां कथक की बहुत शानदार प्रस्तुति की।
उस प्रस्तुति के बाद सितारा देवी को सम्मानित भी किया गया। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने सितारा को अपनी तरफ से एक शॉल और 50 रुपए बतौर इनाम देने की पेशकश की, लेकिन सितारा ने यह कहकर गुरुदेव को इनकार कर दिया कि इसकी जगह वो अपना आशीर्वाद उन्हें दे। यहाँ आपको ये बताना भी जरूरी है कि पंडित सुखदेव महाराज को मुंबई जाने के बाद अपने समाज की तरफ से कई तरह के आरोप झेलने पड़े थे। लोगों ने उनकी बेटियों को वैश्या तक कह दिया था। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि उस जमाने में भारतीय नृत्य कला कथक केवल तवायफों के कोठों तक ही सिमट कर रह गई थी। लोगों का मानना था कि अच्छे घरों के लोग ये सब काम नहीं करते, पर क्योंकि पंडित सुखदेव महाराज से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कथक नृत्य कला को सहेज कर रखने की गुजारिश की थी, तो पंडित सुखदेव महाराज जी ने लोगों की बातों की जरा भी परवाह नहीं की। पंडित जी की बेटी सितारा तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ने लगी। कई फिल्मों में उन्हें अपना नृत्य कौशल दिखाने का मौका मिला। फिर सन 1935 में आई महबूब खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म अल हिलाल में उन्हें पहली दफा एक्टिंग करने का मौका मिला। इसके बाद सितारा देवी ने महबूब खान की ही वतन और रोटी में भी एक्टिंग की और इन फिल्मों में इनकी शानदार एक्टिंग के लिए इन्हें सम्मानित भी किया गया। कमाल की बात तो ये है कि जिस वक्त सितारा देवी ने इन फिल्मों में एक्टिंग की उस वक्त वो महज 16 बरस की थी। सितारा देवी को नृत्य से बेहद प्यार था। वो न केवल कथक में निपुण थी, भरतनाट्यम में भी उन्हें महारत हासिल थी। साथ ही भारत के कई अन्य लोक नृत्यों में भी उन्होंने अपनी पकड़ बनाई। इसके अलावा उनकी कुछ फिल्मों में उन्होंने रशियन बैले भी परफॉर्म किया। सितारा देवी केवल एक्टर और डांसर ही नहीं थी, वो एक गायिका भी थी। फिल्मों में उन पर जितने भी गाने फिल्माए जाते थे उनमें वो अपनी खुद की आवाज देती। ऐसी थी इनकी निजी जिंदगी। अब अगर बात की जाए इनकी निजी जिंदगी के बारे में तो इन्होंने 3 शादियां की। उनकी पहली शादी हुई थी एक्टर नजीर अहमद खान से, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उनकी वो शादी टूट गई। इसके बाद उन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर और राइटर आसिफ से शादी की। हालांकि उनकी ये शादी भी नहीं चल पाई और आसिफ से तलाक के कुछ सालों बाद इन्होंने प्रताप बैरोट से शादी की। इस शादी से उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम रंजीत बैरोट है। इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम जयंती माला है। इनका एक बेटा रंजीत बैरोट अभी एक जाना माना संगीतकार है। बचपन में ऐसा भी कुछ इन्होंने झेला था। आइए बात करते हैं कि इन्होंने क्या झेला। सितारा देवी जब छोटी थी तो इनके माता पिता इन्हें प्यार से धन्नो कहकर पुकारते थे। कहा जाता है कि जब ये पैदा हुई तो इनका मुंह टेढ़ा था। किसी पुरोहित की सलाह पर इन्हें एक महिला को गोद दे दिया गया और 8 साल तक उसी महिला ने इनका पालन पोषण किया। 8 साल की उम्र पूरी होने के बाद इनके माता पिता इन्हें वापस घर ले आए। सितारा देवी को मिले ये पुरस्कार नृत्य और कला के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें साल 1970 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। साल 1994 में इन्हें कालिदास सम्मान से नवाजा गया। साल 2002 में जब भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान देने की घोषणा की तो इन्होंने ये कहकर पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया कि ये भारत रत्न से कोई कम पुरस्कार नहीं लेंगी। देश विदेश में इन्होंने अपने नृत्य के जौहर दिखाए, बड़े बॉलीवुड सितारों को सिखाया नृत्य। सितारा देवी के शरीर ने जब तक उनका साथ दिया इन्होंने नृत्य किया। कई बॉलीवुड अभिनेत्रियों को इन्होंने कथक की ट्रेनिंग दी। इनकी बहन तारा देवी का बेटा गोपी कृष्ण भी कथक जगत का एक बहुत बड़ा नाम है। 90 साल की उम्र तक सितारा देवी ने स्टेज पर अपनी नृत्य कला का जौहर दिखाए रखा, लेकिन फिर बुढ़ापे के चलते उन्हें स्टेज से दूरी बनानी पड़ी। जब सितारा देवी दुनिया से विदा हुई 25 नवंबर 2014 को मुंबई के जसलोक अस्पताल में 94 साल की उम्र में इन्होंने आखिरी सांस ली और इस तरह भारतीय नृत्य कला का एक चमकता सितारा टूटकर हमेशा के लिए गायब हो गया। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।